दोस्तों अभी अभी YouTube की तरफ से एक बहुत बुरी और लेटेस्ट जो है अपडेट यहाँ पर आई है। तो दोस्तों वो अपडेट ये है कि जिन लोगों के चैनल पे 4,801 के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे और दोस्तों उनका चैनल जो है अप्रैल के एंड में यहाँ पर रिव्यू होने वाला था, तो दोस्तों अब उनका चैनल जो है अप्रैल के एंड में यहाँ पर रिव्यू नहीं होगा। उन लोगों का चैनल जो है यहाँ पर रिव्यू होगा जून की एंड में। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा बुरी खबर है ये। कब से हम जो है चैनल के रिव्यू के लिए इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पहले यूट्यूब कह रहा था कि चैनल जो है जनवरी के एंड में रिव्यू हो जाएंगे, फिर यूट्यूब कहने लगा कि अप्रैल के एंड में, और अब यूट्यूब कहने लगा कि चैनल जो है जून के एंड में रिव्यू होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट यूट्यूब ने 2 महीने बढ़ा दिए हैं। और काफ़ी ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर मुझे वीडियो बनाते हुए बुरा लग रहा था दोस्तों, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाते हुए। तो दोस्तों जब मैंने ये खबर सुनी तो मुझे लगा कि मैं अपना चैनल ही जो है डिलीट कर दूँ, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो YouTube है ये बहुत ज़्यादा पागल बनाता जा रहा है। और दोस्तों अब जो है YouTube ने अपनी हद पार कर दी है। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने मोनेटाइजेशन स्टेटस में आएंगे जहाँ पर आपको वॉच टाइम और सब्सक्राइबर दिखाई देता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको वही पुरानी अपडेट दिखाई देगी, यानी कि आपको दिखाई देगा यहाँ पर कि आपका चैनल जो है एंड ऑफ अप्रैल में रिव्यू हो जाएगा। तो दोस्तों जो YouTube की तरफ से नई अपडेट आई है अभी वो यहाँ पर अपडेट नहीं हुई है, लेकिन आप कुछ दिन बाद देखेंगे कि यहाँ पर वो अपडेट हो जाएगी और यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि एंड ऑफ जून। तो दोस्तों अभी जो YouTube ने अपडेट दी है वो अपडेट दी है गूगल फॉरम पे, तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं कि वो अपडेट आपको कैसे देखनी है। तो सबसे पहले आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र में और आपको न्यू टैब ओपन करना है और यहाँ पर आपको लिखना है YouTube हेल्प फोरम। तो दोस्तों जैसे ही आप YouTube हेल्प फोरम लिख के सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी गूगल प्रोडक्ट के नाम से, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। तो दोस्तों उसके बाद फिर आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाना है और आपको यहाँ पर डेस्कटॉप पर क्लिक करना है। तो दोस्तों जैसे ही आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे वो सारे जो अपडेट हैं यहाँ पर लोड हो जाएंगे, तो लोडिंग में थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रहे वो 3 अपडेट नए जो YouTube की तरफ से आए हैं, और सबसे ऊपर वाला जो अपडेट है वो है YouTube के चैनल के रिव्यू के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों अपडेट को YouTube ने पिन करा है और ये अपडेट YouTube ने दिया है 19 अप्रैल को। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट ऑन न्यू YouTube पार्टनर प्रोग्राम, तो इस पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या YouTube ने लिखा है। इस पेज पर आपको काफ़ी ज़्यादा कुछ लिखा दिख जाएगा तो यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेन बात दिखाता हूँ जो YouTube ने कही है चैनल के रिव्यू के ऊपर। तो जैसे ही आप बीच में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक हेडिंग दिखेगी, इफ़ यू हैव ए पेंडिंग एप्लीकेशन वेन शुड यू एक्सपेक्ट टू हियर बैक। यानी दोस्तों इस हेडिंग का मतलब है कि अगर आपका चैनल जो है अंडर रिव्यू है तो कब तक जो है आपका चैनल रिव्यू होगा। तो दोस्तों यहाँ पर YouTube कह रहा है इसके ऊपर के वी हैव नाउ ग्रोन आवर रिव्यू टीम एंड करंटली मूविंग थ्रू पेंडिंग एप्लीकेशन एट ए फास्टर पेस। वी आर होप टू गेट कॉट अप बाय एंड ऑफ जून एंड विल लेट यू नो इफ एनीथिंग चेंजेस। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं एंड ऑफ जून, तो यहाँ पर YouTube कह रहा है कि हमने जो है अपनी टीम बढ़ा दी है चैनल को रिव्यू करने के लिए और अब हम इस बार जो है तेज़ी से चैनल को रिव्यू करेंगे, लेकिन हम चैनल को रिव्यू करेंगे अप्रैल की, सॉरी जून की एंड से। तो दोस्तों यहाँ पर YouTube कह रहा है कि जून की एंड तक आपके चैनल रिव्यू नहीं होंगे बल्कि जून की एंड से हम रिव्यू करना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सीधे सीधे 2 महीने यहाँ पर YouTube ने बढ़ा दिए, और दोस्तों इस बार भी पक्का नहीं है कि चैनल रिव्यू हो ही जाएंगे जून में या फिर नहीं होंगे, क्योंकि दोस्तों इतने दिन से YouTube बेवकूफ़ बनाता ही जा रहा है, कभी जनवरी कभी अप्रैल और अब जून। तो दोस्तों यहाँ पर YouTube की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये जो अपडेट है बिल्कुल नई अपडेट है, इसलिए दोस्तों ये मोनेटाइजेशन स्टेटस में अभी अपडेट नहीं हुई है, लेकिन कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि मोनेटाइजेशन स्टेटस में एंड ऑफ जून लिखा आ जाएगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मेरा चैनल अब जो है अप्रैल के एंड में रिव्यू हो जाएगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब जो है चैनल अप्रैल के एंड में भी रिव्यू नहीं होगा। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए, और दोस्तों अब पता नहीं दोस्तों मैं चैनल पे वीडियो डालूंगा या फिर नहीं डालूंगा, हो सकता है दोस्तों मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं डालूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है ये वीडियो बनाते हुए और ये जो बुरी अपडेट है आपको बताते हुए। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई हो तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा।